हेलो फ्रेंड्स, इन दिस सेशन वी डिस्कस अबाउट मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स? इन द इम्यून सिस्टम, इम्यून सर्वेलेंस सिस्टम इज गोइंग ऑन. दैट इम्यून सर्वेलेंस सिस्टम, इट कीप्स मूविंग इन द एंटायर बॉडी एंड ट्राइज टू फिगर आउट वेदर ऑल द एंटीजेंस इट कम्स अक्रॉस आर द सेल्फ और नॉन सेल्फ. When the immune surveillance system identifies the antigen as self, it will not mount any immune response against it. But when it identifies as non-self, then it will mount an immune response against the antigen. So main concept is to differentiate between self and non-self, and this process is done by the immune surveillance system. To understand the process of major histocompatibility complex, we first take two prototypes. One is dendritic cells and one is the pathogen. The pathogen is that green colored structure with a red dot on its surface. That red dot is the antigen of the pathogen, and we will have a look at how the dendritic cell presents this pathogen and its antigen to the subsequent cells of the immune system. To understand antigen presentation मतलब क्या, उसको simplified words में अगर समझो तो ये जो पैथोजन है उसके जो एंटीजन है वो एक टाइप से खाना है, और वो खाना टी हेल्पर सेल को या साइटोटॉक्सिक टी सेल को परसना है. तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कि एपीसी उस खाने को अच्छी तरह प्रोसेसिंग करके टी सेल्स को प्रेजेंट करता है, और टी सेल्स उसको फिर कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड टू द T cells, and food is the pathogen and its antigens, right? So that is a simplified version. Now before we understand this figure, let us first have a look at this figure. तो जब भी antigen presenting cell के पास कोई antigen आता है तो वो antigen को पहले वो engulf कर लेगा, और अंदर cytoplasm में एक vesicle के अंदर वो antigen को रख लिया, और उस antigen के छोटे छोटे fragments create कर देगा. वो छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे उस एंटीजन के, और सामने इसी सेल में यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर ही दूसरा एक वेसिकल भी है जिसके अंदर मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी एंटीजन्स बन रहे हैं. तो वो एमएचसी के मॉलिक्यूल्स बना के फिर वो वेसिकल जिसमें एमएचसी मॉलिक्यूल है और वो वेसिकल जिसमें एंटीजन के फ्रेगमेंट्स हैं, दोनों वेसिकल्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं. फ्यूज़ होकर फिर ये एमएचसी मॉलिक्यूल्स उस एंटीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे रख के फिर सेल के बाहर आ जाते हैं और सेल के सरफेस पे आके प्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज़ एट द मोलिकुलर लेवल कैसे वो एंटीजन का ब्रेक डाउन करता है और उसको एमएचसी के साथ कंबाइन करके अपने सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट करता है. अब इसी प्रोसेस को फर्दर डिटेल में समझने के लिए वी हैव ए लुक एट दिस फिगर. ये पहले फिगर में डेंड्राइटिक सेल है जो पैथोजन को एनगल्फ कर रहा है. पैथोजन के सरफेस पे रेड कलर का जो डॉट है वो उसका एंटीजन है. सेकंड स्टेप में पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरिया द एंटीजन गो टू द सरफेस ऑफ द डेंड्राइटिक सेल अलोंग विद द एमएचसी. और फिगर थ्री में दिख रहा है कि फैगोसाइट अपने एमएचसी के साथ वो एंटीजन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को सरफेस पर प्रजेंट कर रहा है, और सामने टी हेल्पर सेल्स है वो उसको देख रहे हैं, और टी हेल्पर सेल्स के खुद के पास भी कुछ रिसेप्टर है. तो टी हेल्पर सेल का रिसेप्टर और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का रिसेप्टर दोनों आपस में बाइंड करते हैं, तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, और वो कनेक्शन के ज़रिए टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है और वो फर्दर प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द पैथोजन करता है. ठीक है, तो लास्ट में देख सकते हैं अपन कि एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल है, वो एक्टिवेट होकर वी फर्दर बी सेल्स को एक्टिवेट करना, फर्दर जो भी स्टेप्स करना है वो आगे करेगा. तो यानी कि इस फिगर में हमने क्या देखा कि एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन को अपने अंदर लिया, उसको प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करके अपने सरफेस पे प्रेजेंट किया, और वो प्रेजेंटेशन सामने टी हेल्पर सेल्स ने देखा और वो उसके एक्टिवेट हुए. अब मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का बेसिकली फंडा क्या है? तो वो एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है और जो सेल्स के सरफेस पे होते हैं, और उनका रोल मेन ये रोल है कि वो एक तो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच डिफरेंशिएट करते हैं, और जो भी नॉन सेल्फ एंटीजन्स होते हैं उनको वो अपने साथ बाइंड करके सेल के सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं फॉर डाइजेशन. तो
मेजर हिस्टोकेमेटिक कॉम्प्लेक्स में तीन क्लास है, क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री। उसमें क्लास वन और टू जो है दे बिलोंग टू द इम्यूनोग्लोबुलिन जीन सुपर फैमिली, और जिसमें दूसरे इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हैं, टी सेल रिसेप्टर्स हैं, CD4 CD8 हैं। और क्लास वन टू और थ्री तीन टाइप के क्लासेस हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स में। विद रिस्पेक्ट टू दिस देयर आर सम डेफिनेशंस, व्हाट इज़ हिस्टो कंपैटिबिलिटी एंटीजेंस। तो जब भी कोई बॉडी में ग्राफ्ट या टिश्यू कुछ भी इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो बॉडी के अंदर एक्सेप्टेंस है कि नहीं उस ग्राफ्ट के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कुछ एंटीजेंस होते हैं बॉडी में। वो एंटीजेंस के कंपैटिबिलिटी अगर होगी तो फिर वो बॉडी वो ग्राफ्ट को एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर एंटीजेंस कंपैटिबल नहीं है तो वो बॉडी वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देगा। तो यानी कि ऑल दोज एंटीजेंस और ऑल दोज मार्कर्स ऑन द टिश्यूज एंड सेल्स दैट डिटरमाइन द रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्राफ्ट दे आर कॉल्ड हिस्टोकंपैटिबिलिटी एंटीजेंस। और आउट ऑफ ऑल दिस हिस्टोकंपैटिबिलिटी एंटीजेंस द वंस विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन आर कॉल्ड मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी एंटीजेंस और MHC। तो MHC मोलिक्यूल्स जो है दे आर सिंथेसाइज बाय द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर MHC मोलिक्यूल्स एंड दिस जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम नंबर 6। क्रोमोजोम नंबर शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम नंबर 6 पे दिस जीन्स आर लोकेटेड विच कोड फॉर द MHC मोलिक्यूल्स। द MHC इन डिफरेंट स्पीसीज हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम्स। द MHC मोलिक्यूल्स इन द ह्यूमन स्पीसीज आर नोन एज HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। Since they are predominantly present on the leukocytes, so they have been given the name human leukocyte antigens. So MHC of human beings is known as HLA and MHC of mice is known as H2. Now what is the location of the genes that code for the MHC molecules? On the short arm of chromosome number 6, there is an area where all the three क्लास वन टू एंड थ्री उनके कोडिंग जीन्स होते हैं। देर इज़ वन डी रीजन विच कोड्स फॉर क्लास थ्री MHC, देन देर इज़ वन BCA रीजन दैट कोड्स फॉर क्लास वन MHC एंड बिटवीन डी रीजन एंड BCA रीजन देर इज़ वन रीजन दैट कोड्स फॉर क्लास थ्री MHC। और ये डी है, डी रीजन के भी तीन पोर्शंस हैं, DP, DQ और DR। So DP, DQ, DR, these three portions of D region, they will code for the class 3 MHC molecules. BCA, they will code for the class 1 MHC molecules. And between both of these, there is one area which codes for class 3 MHC molecules, right? D region codes for the class 2 MHC molecules. There are several hundred genes in this group. And these genes will be coding for the MHC 1, 2 and 3 class molecules. More than 40 varieties of MHC class 2 have been known and more than 80 varieties of MHC class 1 have been known. What is the location of MHC 1 and MHC 2? So short term of chromosome number 6 mein ye genes hai aur wo genes code for MHC 1, 2 and 3 molecules. एंड MHC3 का उतना प्रिडोमिनेंट रोल डिस्क्राइब नहीं किया गया है एंटीजन प्रेजेंटेशन में। MHC1 और 2 आर इम्पॉर्टेंट इन दैट। MHC1 मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट सम लाइक न्यूरॉन्स। सो मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी दे हैव MHC1 ऑन देयर सरफेस। Although for MHC2 it is not the same, MHC2 molecules are present on all the antigen presenting cells of the body. They are not present on all the cells of the human body. Now first the structure of MHC1. MHC1 basically, before we study the structure of MHC1, isko ek simplified reminder ke MHC1 aur MHC2 ek tarike se they are बाउल्स मीन्स कटोरी, जिस कटोरी में वो एंटीजन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट रख के आगे वाले सेल को दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि खाने का प्रेजेंटेशन, एंटीजन प्रेजेंटेशन, एंटीजन को छोटे छोटा टुकड़ा करके MHC के नाम के इस कटोरी में रख के
सामने वाले सेल को दिया जाता है, टी सेल को, और वो टी सेल इस कटोरी में रखे हुए खाने को खाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा और फर्दर प्रोसेसेस होगा उसमें से। ठीक है, ये एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन कि इट इज़ बेसिकली ए कंटेनर दैट विल कंटेन द फूड दैट इज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द टी सेल्स। ठीक है, नाउ वी गेट बैक टू द टॉपिक। MHC1 मॉलिक्यूल में दो चेन है, अल्फा चेन और बीटा चेन। बीटा चेन इज़ अ बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, और अल्फा चेन के तीन कॉम्पोनेंट्स है, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। इन दिस फिगर यू कैन सी दैट अल्फा 1 और अल्फा 2 ऊपर की तरफ है, अल्फा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन नीचे की तरफ है। अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में एक ग्रूव बन जाता है, और वो ग्रूव बेसिकली ये जो कटोरी है, कटोरी का ग्रूव है, इस ग्रूव में पेप्टाइड सेगमेंट आ सकता है, यानी कि जो एंटीजन का छोटे छोटे पेप्टाइड सेगमेंट्स हो जाते हैं उसमें से कोई पेप्टाइड सेगमेंट इस ग्रूव में बाइंड हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्रूव में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और वो ग्रूव का स्ट्रक्चर टिपिकली 8 to 9 एमिनो एसिड्स के पेप्टाइड चेन को बाइंड कर सकता है। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में ये ग्रूव है। अब इसी को बाजू में एक ऐसे एनिमेशन के रूप में डिस्क्राइब किया गया, तो ये जो ब्लू चेन्स हैं, ब्लू थ्रेड्स हैं, वो अल्फा 1 और अल्फा 2 के ब्लू थ्रेड्स हैं, आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। उनके बीच में एक रेड पोर्शन दिख रहा है, वो रेड पोर्शन इज़ द पेप्टाइड एंटीजन का एक छोटा फ्रेगमेंट, और नीचे की तरफ जो ग्रीन थ्रेड्स हैं वो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के हैं, और नीचे की तरफ जो ब्लू थ्रेड्स हैं वो अल्फा 3 का चेन का है। ठीक है, तो ये MHC1 का स्ट्रक्चर हुआ, और इस स्ट्रक्चर में अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में जो ग्रूव है, उस ग्रूव में पेप्टाइड का कोई छोटा सा सेगमेंट बाइंड करता है, और इस बाइंड करे हुए सेगमेंट को फिर MHC सामने टी सेल्स को देगा। ठीक है, और टी सेल्स फिर उसको कंज्यूम करेंगे। फिर MHC2 का स्ट्रक्चर, MHC2 के स्ट्रक्चर में अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों है, अल्फा चेन में अल्फा 1 और अल्फा 2, और बीटा चेन में बीटा 1 और बीटा 2 है, और अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में ग्रूव है MHC2 में, और उस ग्रूव में भी कोई पेप्टाइड सेगमेंट बाइंड कर सकता है। इसी को बाजू में जो उसके थ्रेड्स दिखा रहे हैं एनिमेशन में, तो अल्फा 1 और बीटा 1 दिखा रहा है, अल्फा 1 बीटा 1 के बीच में एक ग्रूव है, उस ग्रूव में पिंक कलर का पेप्टाइड फ्रैगमेंट है, और नीचे की तरफ अल्फा 2 और बीटा 2 के थ्रेड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इधर हुआ क्या, MHC1 ने भी अपने एक ग्रूव में पेप्टाइड के सेगमेंट्स को रखा, और MHC2 ने भी अपने ग्रूव में पेप्टाइड के सेगमेंट्स को रखा। अब पेप्टाइड के सेगमेंट्स को रख के ये फर्दर सामने दूसरे सेल्स को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ ये नेक्स्ट फिगर है, फिगर में अपन समझें उसके पहले विल जस्ट नो वन पॉइंट दैट वेन एवर टू सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इंटरैक्ट, बोथ द सेल्स विल बी हैविंग सम रिसेप्टर, एंड दिस रिसेप्टर्स ऑफ बोथ द सेल्स वेन दे बाइंड देन द सेल्स विल बी इंटरैक्टिंग। मतलब एक सेल के पास रिसेप्टर है और सामने वाले सेल के पास रिसेप्टर नहीं है, तो वो दोनों आपस में बाइंड भी नहीं करेंगे, वो आपस में रिएक्ट भी नहीं करेंगे। रिएक्शन तब होगा जब दोनों सेल्स के पास एक दूसरे का कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रिसेप्टर है जिससे वो बाइंड कर सके। बराबर, तो ये रिसेप्टर कॉन्सेप्ट पे सब जगह चलता है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जहाँ जहाँ रिसेप्टर होता है वहीं वहीं बाइंडिंग होता है। अब इस फिगर में दिखा रहे हैं कि CD4 टी सेल्स यानी कि हेल्पर टी सेल्स के सरफेस पे टी सेल रिसेप्टर है, और हेल्पर टी सेल्स को एंटीजन कौन प्रेजेंट करता है, तो MHC2 प्रेजेंट्स द एंटीजन्स टू द हेल्पर टी सेल्स। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स क्या बना, एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसके सरफेस पे MHC2, और सामने कॉरस्पॉन्डिंग हेल्पर टी सेल, उसके सरफेस पे टी सेल रिसेप्टर। तो ये उनका सेट हो गया पूरा। वैसे सामने दूसरा एक सेट चलता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल और CD8 टी सेल, उसके भी सरफेस पे टी सेल रिसेप्टर है, और सामने टारगेट सेल है जिसके सरफेस पे MHC1 है, और ये टारगेट सेल MHC1 के साथ कंबाइन एंटीजन प्रेजेंट करेगा साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को, और वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। नाउ इधर अ पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट कि MHC2 जनरली
बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वगैरह है उन सबको छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स करके टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट करता है। और MHC-1 वायरल एंटीजेंस हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, उन सबको यानी कि एंडोजिनस एंटीजेंस को अपने सरफेस पे प्रेजेंट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। यानी कि ये सेट फिक्स्ड है CD4 टी सेल और APC विद MHC-2, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, और CD8 टी सेल और टारगेट सेल विद MHC-1, इनके बीच इंटरेक्शन होगा। वी वेल क्लास 1 एंड क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल दे लुक सिमिलर, उनके चेन के स्ट्रक्चर्स में थोड़ा डिफरेंस है। एक में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है, और दूसरे में अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, बीटा 2, ऐसा है। पर दोनों के फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। एक तो क्लास 1 मॉलिक्यूल्स आर फाउंड ऑन ऑल द सेल्स, ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वाइल क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स आर फाउंड ओनली ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सेकेंड डिफरेंस इज दैट क्लास 1 मॉलिक्यूल्स दे ऑलवेज प्रेजेंट द एंटीजन्स टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स CTLs, वाइल क्लास 2 मॉलिक्यूल्स दे प्रेजेंट द एंटीजन्स टू हेल्पर टी सेल्स। और थर्ड डिफरेंस ये है कि क्लास 1 मॉलिक्यूल्स हमेशा एंडोजिनस एंटीजेंस को प्रेजेंट करते हैं, ये अंदर वायरल प्रोटीन्स पड़े हैं या ट्यूमर एंटीजेंस हैं उन सबको, और क्लास 2 मॉलिक्यूल्स एक्सोजिनस एंटीजेंस को प्रेजेंट करते हैं यानी कि बाहर से बैक्टीरिया वगैरह जो आए हैं उनके एंटीजेंस को प्रेजेंट करेंगे। तो दीज आर 3 डिफरेंसेस बिटवीन MHC-1 एंड MHC-2। एंडोजिनस एंटीजन किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? ट्यूमर एंटीजेंस हैं, फिर वायरस के जो प्रोटीन्स हैं जो अंदर सर्कुलेशन में होते हैं उन सबको एंडोजिनस एंटीजन बोल रहे हैं, और एक्सोजिनस एंटीजन जो बाहर से बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह आए सर्कुलेशन में वो सब एक्सोजिनस एंटीजेंस। अब सामने जो हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल के सरफेस पे टी सेल रिसेप्टर है जो MHC के साथ बाइंड करता है, वो टी सेल रिसेप्टर का भी कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। उसमें कौन सी चेन्स है? अल्फा चेन और बीटा चेन, और अल्फा चेन में वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन दोनों है और बीटा चेन में भी वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन दोनों है। सो टी सेल रिसेप्टर में वेरिएबल अल्फा और कांस्टेंट अल्फा ये दो पोर्शन, वेरिएबल बीटा और कांस्टेंट बीटा ये दो पोर्शन, ऐसे टोटल 4 पोर्शन हो गए। और टी सेल रिसेप्टर के बाजू में CD3 रिसेप्टर भी है, वो भी ये बाइंडिंग के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सो रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज 3, MHC-1, MHC-2 एंड टी सेल रिसेप्टर। MHC-1 में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन था। MHC-2 में अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, और टी सेल रिसेप्टर में वेरिएबल अल्फा, कांस्टेंट अल्फा, वेरिएबल बीटा, कांस्टेंट बीटा। नाउ लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दिस फिगर। इसमें टी सेल जिसमें CD4 वाले टी सेल्स हैं वो, और सामने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दोनों के बीच बाइंडिंग हो रहा है। तो बाइंडिंग क्या होता है? रिसेप्टर के लेवल पे दोनों की तरफ से कोई ना कोई रिसेप्टर्स होंगे और वो रिसेप्टर्स आपस में बाइंड करेंगे तो जाके सेल्स का इंटरेक्शन होगा और फर्दर प्रोसेस होगा। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे MHC-2 है और टी सेल के सरफेस पे टी सेल रिसेप्टर है, CD4 है और CD3 है। तो ये सारे रिसेप्टर्स का इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन से टी सेल CD4 टी सेल एक्टिवेट हो जाता है, और वो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होके वो फर्दर बी सेल्स को या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट फिगर। और सेकंड फिगर में कोई भी टारगेट सेल जिसके अंदर वायरल प्रोटीन्स हैं या ट्यूमर एंटीजेंस हैं वो टारगेट सेल के सरफेस पे MHC-1 होंगे, और सामने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होगा जिसके सरफेस पे CD8 टी सेल रिसेप्टर और CD3 रिसेप्टर ये सब होंगे, और ये दोनों तरफ के रिसेप्टर्स का बाइंडिंग होगा, और वो बाइंडिंग होने से साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होके फिर वो टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा जिससे कि वो वायरल प्रोटीन्स या ट्यूमर एंटीजेंस वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो हियर इन दिस फिगर यू कैन सी दैट इन बोथ द केसेस देयर इज टी सेल इन्वॉल्वमेंट, बट इन वन केस हेल्पर टी सेल इज देयर विच इज़ बाइंडिंग विद APC। तो हेल्पर टी सेल रिसेप्टर बाइंड्स विद MHC-1 ऑन द APC
एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल का टी सेल रिसेप्टर बाइंड्स विद MHC-1 ऑफ द टारगेट सेल। MHC के फंक्शंस क्या हैं? तो MHC क्लास 1 और 2 का आपने देखा कि वो दे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स कर देते हैं एंटीजन के, और वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को सेल के सरफेस पे लाके प्रेजेंट करेंगे और सामने टी सेल उसको देखेगा और एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन उनका एक मेजर फंक्शन है, ठीक है। और MHC क्लास 1 और 2 ये दोनों एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। MHC क्लास 1 जो है वो CD8 मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, और MHC2 CD4 टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं, हेल्पर टी सेल्स को। अब MHC1 MHC2 के अलग अलग वेराइटीज़ हैं, तो कोई भी पर्सन में जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करते हैं तो फिर ABO ब्लड ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो जिसमें ABO ब्लड ग्रुप कंपेटिबल हो, फिर RH ब्लड ग्रुप भी इन्वॉल्व होता है, तो RH भी कंपेटिबल देखते हैं। वैसे ब्लड ग्रुप बहुत सारे होते हैं, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ABO और RH ये दोनों ब्लड ग्रुप्स इंटरफियर करते हैं ब्लड एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन में, इसलिए इन दोनों को कंसिडर करना पड़ता है। तो जहाँ पे ABO कंपेटिबिलिटी होगी और RH कंपेटिबिलिटी होगी, वहाँ पे ब्लड का रिजेक्शन नहीं होगा। ऑल्दो बहुत सारे एंटीजेंस हैं RBCs के सरफेस पे, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये दोनों एंटीजेंस मैटर करते हैं, इसलिए उनको अपन डिटेक्ट करते हैं। सिमिलरली ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट में ये ABO ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस इंटरफियर नहीं करते, RH एंटीजेंस इंटरफियर नहीं करते, लेकिन MHC एंटीजेंस इंटरफियर करते हैं। इट हैज़ बीन सीन दैट MHC कंपेटिबिलिटी नहीं होती है तो फिर ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू फोकस ऑन द MHC कंपेटिबिलिटी बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट। तो इसीलिए HLA टाइपिंग करते हैं। HLA टाइपिंग करने से पर्सन का HLA टाइप पता चलेगा, और सामने समझो ये पर्सन रेसिपिएंट है तो सामने डोनर भी सेम HLA टाइप का होगा, तो ही ये रेसिपिएंट उसका डोनेशन एक्सेप्ट कर पाएगा। तो HLA कंपेटिबिलिटी हैज़ ए इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गन एक्सेप्टेंस, टिश्यू एक्सेप्टेंस, एंड पैटर्निटी डिटर्मिनेशन, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़, HLA और डिजीज ससेप्टेबिलिटी के स्टडीज़, उन सब के लिए भी HLA टाइपिंग करते हैं। टिश्यू टाइपिंग मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट या टिश्यू ट्रांसप्लांट के पहले भी HLA टाइपिंग करते हैं। फिर HLA-B27 इज एसोसिएटेड विद एंकलोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंड देर आर सम डिजीजेज विच हैव बीन शोन टू बी एसोसिएटेड विद सर्टन HLA टाइप्स। तो ये सब डिटरमाइन करने के लिए, स्टडी करने के लिए भी HLA टाइपिंग किया जाता है। मोस्ट कॉमनली अपना ऑर्गन या टिश्यू का ग्राफ्टिंग करना है तो डोनर और रेसिपिएंट दोनों का HLA टाइप मैच करना चाहिए, क्योंकि वो मैच नहीं करेगा तो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग टिश्यू मैचिंग करने के लिए HLA टाइपिंग करते हैं। HLA टाइपिंग करने के लिए क्लास 1 को डिटरमाइन करने के लिए भी कुछ मेथड्स डिवाइस्ड हैं, और क्लास 2 मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करने के लिए भी मेथड्स हैं। जस्ट एक नाम याद रख सकते हो, मिक्स्ड ल्यूकोसाइट रिएक्शन टू आइडेंटिफाई क्लास 2 एंटीजेंस इन HLA टाइपिंग, मिक्स्ड ल्यूकोसाइट रिएक्शन इज यूज्ड। व्हाट इज़ MHC रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन मतलब उसका फिक्स प्रोटोकॉल है, उसका फिक्स सेट है, वही सेट में वो काम करते हैं, उस सेट के बाहर वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 मॉलिक्यूल्स दोनों उनका पर्टिकुलर जो करस्पॉन्डेंस है उनके साथ ही वो इंटरेक्ट करेंगे। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो क्लास 1 मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट कराया हुआ खाना खाएंगे, यानी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स की जो कटोरी में जो एंटीजन के पेप्टाइड होंगे वो सामने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स देखेंगे और उसको कंज्यूम करेंगे। वैसे ही MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स की कटोरी में जो खाना पड़ा है, पेप्टाइड के सेगमेंट्स पड़े हैं, उसको हेल्पर टी सेल्स खाएंगे, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, साइटोटॉक्सिक टी सेल MHC-1 और हेल्पर टी सेल MHC-2, इस प्रोटोकॉल को वो ब्रेक नहीं करते। तो दिस इज़ कॉल्ड MHC रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्टेड अप्रोच है। MHC का अपना खुद का जो प्रोटोकॉल है उसको ही वो फॉलो करेगा, दे विल नॉट क्रॉस।
ठीक है, MHC Class 1 हेल्पर को नहीं प्रेजेंट करेगा और Class 2 सेट टॉक्सिक को नहीं प्रेजेंट करेगा। दिस स्पेसिफिसिटी इज कॉल्ड MHC रेस्ट्रिक्शन। एंड दैट कम्प्लीट द टॉपिक। जस्ट अ क्विक रिव्यू कि MHC 1, 2, 3 ऐसे तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। MHC 1 और 2 उसमें से दे डू द जॉब ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन। MHC 1 इज प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट सम। एंड MHC 2 इज प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट ऑल द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब इनका फंक्शन क्या है, ये एंटीजन आता है उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको जो APC है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसको अपने सरफेस पे ये MHC नाम की इस कटोरी में रख के सामने टी सेल को प्रेजेंट करते हैं। और ये MHC नाम की इस कटोरी में ग्रूव होता है, उस ग्रूव में पेप्टाइड के सेगमेंट बाइंड कर सकते हैं और ऐसे वो सामने वाले सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ MHC 1 एंड MHC 2 वर्क एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंड दे हैव एन से इन द ऑर्गन एंड टिश्यू ग्राफ्टिंग प्रोसेस। With this, we end this session. Thank you.